ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे। ये भी एक चीज है, आपके आसपास मौजूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरह से झकझोर रही है हर समय बर्र। खासकर जब मैं देश से बाहर होता हूँ, खासकर अमेरिका में, यूरोप में भी, वहां थोड़ा बेहतर है, लेकिन अमेरिका में हर समय कुछ ना कुछ गूंजता रहता है। हर समय जब मैं यहां आता हूं तो लगता है बस बिल्कुल शांत, जो आपको जीवंत बनाता है। जब हर चीज गूंजती रहती है तो आप बस पुफ। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है। उनके दिन में 8 घंटे सोने से ये साफ साबित होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे, वो सोकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के असंतुलन से बचाने के लिए आप दिन में 8-10 घंटे की नींद लेते हैं, यानी आधा जीवन आप मरे पड़े रहते हैं। मौत हमेशा एक आसान हल होती है, लेकिन हमें ऐसा हल नहीं चाहिए। हम जीवन के हल को खोज रहे हैं, अंत के हल को नहीं। किसी चीज का अंत करना उसका हल होता है ना? हल है या नहीं? हल है, लेकिन हमें वैसा हल नहीं चाहिए। हम यहीं रहना चाहते हैं, जिंदा और पूरे हल के साथ, अपने जीवन में उतनी लागत लगाने के लिए। खैर, आप अपने शहर को छोड़कर जंगल में रहने नहीं जा सकते, आप अपने माहौल को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो। वैसे भी इनका असर तो होगा, लेकिन सवाल है कि कितना असर होगा। कम से कम अपने घर में, अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि यह थोड़ा अजीब लगे, आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सदगुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए काल के साथ। तो अगर ऐसा होना है तो आप, शायद आप थोड़े अजीब लगे, मुझे भी आप अजीब लगेंगे, लेकिन आप जहां सोते हैं वहां कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको इंसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग इंसानों के प्रति ही जागरूक नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ टिड्डा, और आपके पास से गुजरने वाले वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। अपने आसपास की हर चीज के प्रति जीवंत होना, बिना किसी भेदभाव के। अग्नि तत्व योग की भूत शुद्धि की पद्धति में और एक मजबूत जीवन के रूप में खड़े होने की हमारी क्षमता, इन दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम पता लगाना चाहें कि आप जिंदा हैं या नहीं, हम ये चेक करते हैं कि शरीर गर्म है या ठंडा, यानी आग मौजूद है या चली गई है। हर वो चीज जिसे आप इस धरती पर जीवन कहते हैं, वो सिर्फ सूर्य की अग्नि के कारण है। एक आग का गोला वहां जल रहा है, सिर्फ उसी के कारण जीवन संभव हुआ है। हो सकता है बाकी सारी सामग्री मौजूद हो, ये खाना पकाने जैसा है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आग नहीं है, खाना नहीं पकेगा। तो जीवन ने खुद को पकाया है, मुख्य रूप से सूरज की आग के कारण। दुनिया में बुनियादी ऊर्जा बस वही है। तो खुद को स्वस्थ रखने के एक तरीके के रूप में आग का इस्तेमाल, ये योगिक प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे आप पानी से स्नान करते हैं, उसी तरह आप अग्नि स्नान भी ले सकते हैं। हम क्लेश नाशन क्रिया में यही करते हैं। ये लोगों के लिए असाधारण नतीजे पैदा कर रही। मैं आप में से हर किसी को सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बेडरूम में एक दिया रखें, अपने सोने की जगह से सुरक्षित दूरी पर, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए जबरदस्त फर्क पड़ेगा, वरना आपके पास एक शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए जो हर समय एक जलती हुई अग्नि के समान हो, या तो ये या वो। इन दोनों में से एक चीज हर घर में होनी चाहिए,
हमेशा एक दिया जलता रहता था एक भारतीय घर में हमेशा। अब दुर्भाग्य से, क्योंकि लोग इसे एक धर्म विशेष के कार्य के रूप में देख रहे हैं, दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते। वरना दूसरे लोग दिया नहीं जलाना चाहते क्योंकि अगर आप दिया जलाते हैं तो आपका धर्म बदल जाएगा। ये सिर्फ बेवकूफी है। तो मुझे लगता है कि कुछ धर्म पानी पर दावा कर सकते हैं। फिर नहाइए मत, अपने हाथ मत धोइए, क्योंकि ये किसी धर्म का हिस्सा है। तो आप अपने हाथ मत धोइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ बेवकूफी। तो मैं आप में से हर किसी को सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बेडरूम में एक दिया रखें, अपने सोने की जगह से सुरक्षित दूरी पर, और इसे हर रात जलते रहने दें। इससे आपके लिए जबरदस्त फर्क पड़ेगा।